कैसे हो बच्चों? हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नया व्यंजन सीखेंगे। व्यंजन ड, व्यंजन ड। ड से डमरू, डमरू बाजे, डम डम डम। ड से डबल रोटी, डबल रोटी को हम ब्रेड भी कहते हैं। डबल रोटी से बनती चीजें अनेक। ड से डफली, गोल गोल होती है डफली, जिसको हम हाथ से बजाते हैं। ड से ड्राइवर, बच्चों आपको स्कूल बस में कौन लेकर आता है? यस, ड्राइवर जो स्कूल बस चलाता है। ड से डाकिया, डाकिया हमें खत देकर जाता है। जो लोग हमसे दूर होते हैं तब वह खत लिखकर अपना मैसेज देते हैं। ड से डिब्बा, जब हमको स्कूल हो जाना तब रखते डिब्बे में खाना। ड से डब्बू, डब्बू होता लड़के का नाम। ड से डाली, पेड़ की डाली जिस पर लगी होती है बहुत सारी पत्तियां। ड से डंडा, लंबा लंबा छड़ी जैसा होता है डंडा। ड से डाकखाना, डाकखाने से हम खत भेजते हैं। तो चलो बच्चों, आओ सुनते हैं व्यंजन ड की कहानी। एक दिन सुबह डब्बू ने नाश्ते में डबल रोटी खाई और ड्राइवर भैया के साथ स्कूल बस में बैठकर स्कूल चला गया। स्कूल में मैम बच्चों को व्यंजन ड सिखा रही थी। मैम ने बच्चों को ड से डमरू और ड से डफली बनाकर दिखाई और बताया कि कैसे डाकिया डाक देता है और डायनासोर डाली से पत्ते खाता है। मैम ने बच्चों को बताया कि डिम्पी ने लॉकडाउन में पुलिस अंकल की बात नहीं मानी और घर से बाहर चली गई। तब पुलिस अंकल ने डंडा दिखाकर डिम्पी को डांटा और अंदर जाने को कहा। तो बच्चों, व्यंजन ड की कहानी सुनकर मजा आया ना? अब सीखते हैं व्यंजन ड लिखना। टू राइट व्यंजन ड, चिल्ड्रन नाउ यू मस्ट बी नोइंग दैट यू वॉन्ट माई स्किल बुक। यस, देन यू हैव टू ओपन पेज नंबर 4141 एंड यू हैव टू राइट द डेट इन द लेफ्ट साइड कॉर्नर। नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट व्यंजन ड। व्यंजन ड लिखने के लिए पहले हमको छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाना है, जो पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में हो पर दूसरी लाइन को टच ना करे। उसके बाद में एक छोटा सा सी बनाना है, छोटा कर्व। फिर छोटा लाइन, छोटा सी, छोटा कर्व और वापस कर्व बना के उसको ऊपर तक टच करना है। ये हो गया ड से डमरू और उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाना ना भूले। ये हो गया आपका ड से डमरू। बच्चों आपको ये इंग्लिश लेटर एस की तरह दिख रहा है, करेक्ट, परंतु ये उसकी जो पूंछ है वो थोड़ा ऊपर जाके दूसरी लाइन को टच करती है। और एक बार प्रैक्टिस करेंगे। पहली लाइन पे आप पेंसिल रखोगे, फिर पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन से शुरू करके दूसरी लाइन तक छोटा सी, फिर टर्न लेके कर्व बनाते हुए एस फॉर सन बनाया और वो वापस ऊपर जाके दूसरी लाइन को टच करेगा। ये हो गया आपका ड से डमरू। वापस छोटा स्टैंडिंग लाइन,
मेक अ कर्व, वन मोर बिग कर्व, उसकी पूंछ है जो ऊपर जाके टच करेगी भी दूसरी लाइन को, हो गया डसे डमरू, डसे डमरू। मुझे आशा है बच्चों आपको व्यंजन ड कैसे लिखना समझ में आया होगा। धन्यवाद।